हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग रेमेडी, जिसकी हेल्प से आप इंस्टेंट अपने फेस पर निखार पा सकते हैं, ग्लो पा सकते हैं। साथ ही साथ ये पैक आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अब अगर आप पार्लर जाकर महंगे महंगे फेशियल कराती हैं, वहाँ पर जाकर बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं, तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैक आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा। साथ ही साथ आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे, झाइयाँ, रिंकल्स हो गई हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइटन, ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, कि हमें इस DIY रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो बात करते हैं कि इसको बनाना किस तरीके से। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है। उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून मैदा ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसमें राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। मैदा आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, वाइटन ब्राइटन बनाएगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 चम्मच व्हीट फ्लोर, यानी चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को, झुर्रियाँ, दाग धब्बे, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच व्हीट फ्लोर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट इन्ग्रीडियंट मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच कर्ड, यानी दही। दही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी। सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो यह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के साथ साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगी। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे ऐड कर लीजिए। और आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट ना तैयार हो जाए। मेरा पेस्ट थोड़ा सा थिक हो गया, तो मैं इसमें 1 चम्मच दही और ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक स्मूथ सा क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाए, जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पैक एकदम रेडी हो चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए। तो अब हमारा DIY इंस्टेंट वाइटनिंग ब्राइटनिंग रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। यह आपकी स्किन पर अलग सा ग्लो लेकर आएगी, आपकी स्किन को वाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग बनाएगी। साथ ही साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, टैनिंग की प्रॉब्लम है तो ये भी दूर होगी। अब बात करते हैं कि इस पैक को किस तरीके से यूज़ करना है। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। मसाज करने से आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और डेड स्किन रिमूव होगी, जिससे आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। तो आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लीजिए। मैंने इसमें मैदा ऐड किया है, व्हीट फ्लावर ऐड किया है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन वाइटन ब्राइटन होगी। सर्दियों के मौसम में स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, सॉफ्ट स्मूथ रहेगी। अगर आपकी स्किन में टैनिंग, एक्ने पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स है तो ये भी दूर होगी और आपको यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। तो आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है और नॉर्मल वाटर से उसके बाद आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए। और आप देखेंगे इसके पहले यूज़ से आपको आपकी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो गई है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, साथ ही साथ शाइनी नज़र आ रही है और मेरे फेस पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील हो रही है मेरी स्किन। तो अगर आपको इस पैक के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे डेली यूज़ करें, क्योंकि इससे कोई आपकी स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन वाइटन ब्राइटन होगी, ग्लोइंग होगी, साथ ही साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इस पैक को रेगुलर यूज़ करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।